Hello everyone, welcome back to the channel of DCG. I am Manisha Kapil. Today I am here for presenting another topic. Today I will discuss next topic that is written on the board, that is matter. आज बच्चे हम एटम के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, आज हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे जिसके अंदर एटम प्रेजेंट होता है. दैट मैटर कंटेन्स एटम दैट आर स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. ये टॉपिक बच्चे केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है. अगर आपको ये टॉपिक आता है देन ही आप फर्दर टॉपिक्स जो हैं वो कर सकते हो. तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन एज रिटन ऑन द बोर्ड दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैव सम मास उसको हम मैटर बोलते हैं. देखो आपके आसपास चीज़ें बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सॉलिड में भी एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड में भी एंड गैसियस में भी, जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो. जैसे आप कुछ खा रहे हो वो सॉलिड है, आप चेयर पे बैठ रहे हो, मैं इस मार्कर को यूज़ कर रही हूँ इस बोर्ड पे, दे ऑल आर सॉलिड इन स्टेट. हम पानी पीते हैं, कोई और चीज़ ड्रिंक करते हैं, सो दे ऑल आर लिक्विड इन स्टेट. एंड हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई और चीज़, स्मोक है हमारे आसपास, डस्ट पार्टिकल्स हैं, हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. आपका ब्लड है, कॉफ़ी है, डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं. उन सब ने कुछ एरिया कवर किया, उन सब का कुछ मास है, तो दैट मीन्स दे ऑल कम्स अंडर मैटर. तो स्टार्ट करेंगे. डेफिनेशन के बाद आपको ये पता होना चाहिए दैट हाउ वी कैन क्लासीफाई मैटर इन सब पार्ट्स. You can say matter is divided into two parts. We can say it is divided according to their physical properties, and next one it is divided on the basis of their chemical properties. In physical classification we will study about solids, then liquids and then gases. In teen states ke bare mein to har bacche ko pata hai, लेकिन हमें वो चीज़ें करनी है जो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगी, जो एग्ज़ाम में सारे बच्चों को नहीं पता होती. तो फॉर एग्ज़ाम्पल 80% या 100% बच्चों को सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज है. लेकिन एक हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है प्लाज्मा, इसके बारे में बच्चों को नॉलेज नहीं है. एंड नेक्स्ट वन इज़ बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट. सो दीज आर द टोटल फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर. So this is the only physical classification. After completing or drawing this chart, I will give you idea about all these. Next one is chemical classification. In chemical classification, we will study about pure substances and then impure substances. In pure substances, we will study only about elements and compounds. And in impure substances, we will study about mixtures. So this is the overview of this chapter. किस chapter में हम क्या study करेंगे, तो आप जो भी video को देख रहे हैं please इसको note down कर लीजिए. आपके benefit के लिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ. आपने 7th से लेके 11th तक ये चीज़ें पढ़ी हैं, but आप यहीं पर एक नोटिस करोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक भी नहीं आती. So लिख लीजिए, मैं फिर इसको इरेज कर देती हूँ. Now one by one बच्चे discuss करते हैं. सबसे पहले अगर मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँ सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं. जैसे मैं अगर बात करूँ शेप की, कि किसकी शेप है जो डेफिनेट है, किसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, एंड कौन है जो कंप्रेसिबिलिटी शो करता है. कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग होता है व्हेन वी कीप एनी गैस अंडर प्रेशर. कोई गैस जिसको अंडर प्रेशर में रखा जा सके, कोई भी सब्सटेंस, नॉट ओनली गैस. सो सॉलिड्स की बच्चे डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, बट लिक्विड्स डू नॉट हैव देयर ओन शेप. जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को यूज़ करोगे दैट विल अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर ओनली. तो लिक्विड की लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहती है. अगर मैं गैसेस की बात करूँ, ना तो इनकी शेप फिक्स है ना तो इनकी वॉल्यूम फिक्स है. आप बाहर जाते हो एटमोसफियर में, आपको पता है कि ऑक्सीजन है, बट आप उसको देख थोड़े पा रहे हो, आप फील भी नहीं कर पा रहे हो. इतना पता है कि आप इनहेल कर रहे हो उसको, आपकी बॉडी उसी पे काम कर रही है, लेकिन ये नहीं पता है कि आप उसकी शेप कैसी है, वॉल्यूम कैसा है. लास्ट है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग होता है बच्चे आप किसी भी सब्सटेंस को अंडर प्रेशर रखेंगे. अब सॉलिड की मैं बात करूँ, मैं डस्टर की बात करूँ, मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूँगी, क्या होगा, ये दबेंगे थोड़े, अंडर प्रेशर नहीं रख सकते हम इन्हें.
आप ऐसे बोलोगे कि ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वो टूट जाएंगे. दीज आर वेरी 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 लेस और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल. लेकिन अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, इनको हम थोड़े से सर्टन एक्सटेंट तक हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करती हूँ, दीज आर हाईली कंप्रेसिबल. और यही आपके चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, दैट आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, विच वन इज हाईली कंप्रेसिबल. देन यू विल से गैसेस. एज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज इज वेरी हाई, तो स्पेस होने की वजह से इनके बीच में आप इनको काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर कर सकते हैं. अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात करती हूँ, वो एग्जाम्पल बताइए जिसकी वजह से आप ये बोलो कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी शो होती है. आपके घर में आपके जो व्हीकल्स होते हैं दोनों में आप ऑब्जर्व कर सकते हो. घर में जैसे फॉर एग्जाम्पल LPG एंड आपकी गाड़ियों में आजकल आ गया है CNG. दोनों ही सिलेंडर्स हैं, दोनों में ही गैसेस प्रेजेंट है. डेली लाइफ क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कह सकते हैं. तो इसकी जो फॉर्मूलाज हैं, जो इसमें गैसेज है, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. LPG के फुल फॉर्म बच्चे, दैट इज आई थिंक एवरीवन यू शुड नो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. जिनको नहीं पता है वो प्लीज इनको लर्न कर लीजिए. देन नेक्स्ट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अब फुल फॉर्म के ऊपर तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन है आएगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन डिफेंस के एग्जाम में तो नहीं आ सकता. पर फिर भी स्टार्ट करना है तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए. LPG में बच्चे कौन कौन सी गैस होती है, दैट इज ब्यूटेन एंड प्रोपेन. एज यू ऑल हैव स्टडीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास 11th और 12th. अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं देन आपने नहीं स्टडी की है. ब्यूटेन का मीनिंग होता है दैट एल्केन और दैट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड. एंड कितने यहाँ पे कार्बन होंगे, 4. ब्यूट मीन्स 4 कार्बन. प्रोपेन मीन्स ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल एंड कितने कार्बन है यहाँ पे, 3. ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन. एक चीज़ और बच्चे, LPG में एक और गैस होती है जिसका सिर्फ पर्पज़ है स्मेल. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. LPG में दो गैसेस तो एज अ फ्यूल का काम करेंगी, लेकिन स्मेल के लिए भी एक LPG में गैस होती है. उसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज इथाइल मरकैप्टन. इवन के जो आपके छोटी क्लासेस के एग्जाम होते हैं उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है. RIMC के सैनिक स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये लेवल आता है. और MNS या NDA के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो देख सकते हो, ब्यूटेन प्रोपेन दीज आर ओनली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड थर्ड गैस इज इथाइल मरकैप्टन विच इज ओनली अ आर्टिफिशियल गैस प्रेजेंट इन LPG ओनली फॉर स्मेल पर्पज. नेक्स्ट वन इज CNG. द कॉम्पोजिशन ऑफ CNG इज लाइक दिस, कंटेन्स मिथेन एंड नाइट्रोजन गैस. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस. सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा. अब प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है बच्चे, इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स. अकॉर्डिंग टू देम दिस स्टेट ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन आर ब्लड ओनली, एज ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा बट दैट प्लाज्मा कंटेन्स ओनली वाटर एंड 3 प्रोटीन्स. तो ये वो वाला प्लाज्मा नहीं है, वो एक फ्लूइड है जिसमें वाटर भी है, प्रोटीन्स भी है. लेकिन ये प्लाज्मा ना सॉलिड है, ना फ्लूइड है, ना लिक्विड है, ना गैस है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. तो ये क्या है एक्चुअली में बच्चे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं कि इसकी डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की है, तो दैट इज विलियम क्रूक्स. विलियम क्रूक्स उनका नाम है जिन्होंने इस स्टेट की डिस्कवरी की है. अब ये मिलती कहाँ पे है, आप एक चीज नोट करोगे, सन में होती है ये स्टेट, स्टार्स में होती है, फ्लेम्स में होती है, ल्यूमिनस क्लाउड्स में होती है. ल्यूमिनस क्लाउड्स हो गए, या एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, नियॉन लाइट्स. इसमें से सिर्फ एक मैंने आर्टिफिशियल एग्जांपल लिखी, अदरवाइज सारी नेचुरल एग्जांपल्स हैं. अगर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, इनमें कॉमन क्या है, इन सभी में कॉमन है हाई टेम्परेचर. अगर आपकी प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा. कितना होगा, वो चीज़ें जो हैं वो वेरी करती रहती हैं. अब एक्चुअली में प्लाज्मा स्टेट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. आयंस क्या होते हैं, जैसे आपने मान लो कि आप साइंस स्टूडेंट नहीं भी है,
आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे बच्चे, जब भी हम किसी गैस को हीट करते हैं, जो उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, बट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो फिक्स रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर जाते हैं। लो एनर्जी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जब वो हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो उस फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, अपनी लो से हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव ही हो चुका है, बाहर ही चला गया है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, कैटायन फॉर्मेशन, तो आयंस की फॉर्म में, या फिर ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। अब एक्चुअली में आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई, साइंटिस्ट कहाँ पे, हाई टेम्परेचर, किस फॉर्म में। एक चीज़ बच्चे आपने याद रखना है, मैंने यहाँ पे सन लिखा है, सन के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सन में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। सो दीज आर द टू गैसेस, वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज हीलियम। अटोमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन एंड अटोमिक नंबर ऑफ हीलियम इज टू। अटोमिक नंबर का मीनिंग होता है डायरेक्टली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है सन में, उसका क्या नाम है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इट्स नेम इज न्यूक्लियर फ्यूजन, स्मॉल न्यूक्लियाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैवियर एंड लार्जर न्यूक्लियाई। सो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है जिसकी वजह से जो आपका सन है वो शाइन करता है, काफ़ी हीट एनर्जी रिलीज होती है दो छोटे न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन की वजह से। कौन सी गैसेज हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको याद रख लेना चाहिए जो कि डिस्कवरी पे बेस्ड है। अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे हाइड्रोजन की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की है, इनका नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, दैट इज हेनरी कैवेंडिश। नाम किसी और ने रखा है हाइड्रोजन, दैट इज लेवोइजर, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, लेकिन डिस्कवरी किन्होंने की है, हेनरी कैवेंडिश। So these are the points which are important for your defense exam. तो please लिख लीजिए इन्हें बच्चे। एक चीज़ याद रखेंगे, 95% chances होते हैं कि आपके exam में एक question invention पे आए, discovery पे आए। तो सिर्फ आपके syllabus में दो या तीन topics ऐसे हैं जिनमें scientist के name हैं, तो आपने कोई भी scientist का नाम जो है वो skip नहीं करना है। अब हम move करेंगे towards last state of matter. That is Bose-Einstein condensate. Short form में इसको BEC भी बोल सकते हैं। ये state of matter बच्चे, यहाँ पे मैं एक flow chart बना रही हूँ, वही आपके लिए important है। For example, you have to take a gas of low density. आपको वो gas लेनी है जिसकी density कम है। अब density कम, density का एक formula होता है D is equal to MyV. M क्या होता है, मास, V क्या होता है आपका, वॉल्यूम। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है अगर D इंक्रीज करेगा तो M भी इंक्रीज करेगा, D डिक्रीज करेगा तो M भी डिक्रीज करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स इफ D विल इंक्रीज V विल डिक्रीज, और अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज। आपको वो गैस लेनी है जिसका मास कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, यू कैन से लो डेंसिटी वाली गैस आपने लेनी है। इसको कहाँ लेके जाना है, लो टेम्परेचर पे, और यही इम्पॉर्टेंट है इसमें। कितना लो टेम्परेचर आपको वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो केल्विन। आप इसको एक और नाम देते हो एब्सोल्यूट ज़ीरो, एंड एक फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू होती है -459.67। तो ये चार वैल्यूज़ हैं और ये चारों आपस में एग्जैक्टली सेम हैं। ज़ीरो केल्विन का मीनिंग है दिस वैल्यू का मीनिंग है दिस वैल्यू। ये मैंने तीन वैल्यूज़ लिखी हैं केल्विन में, सेल्सियस में एंड फ़ारेनहाइट में। ये तीनों टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं। ये टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर है जो एग्जिस्ट करता है, मिनिमम टेम्परेचर। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि BEC कौन से स्टेट, कौन से टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है, या फिर आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि चार ऑप्शंस हैं, पूछ लेंगे कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। तो इस टेम्परेचर पे आपका BEC एग्जिस्ट करेगा। अब इस टेम्परेचर पे जब आप किसी भी गैस को लेके जाओगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे वो कंडेंस कर जाते हैं। कंडेंस का मीनिंग आपको पता है कि एक दूसरे के क्लोज टुगेदर आना स्टार्ट कर देते हैं।
इस टाइम पे जो इस गैस की जो अपीयरेंस है उसे हम डिफाइन कर देते हैं बीईसी, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ पे आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर तो कंप्लीट होती हैं। एक इसकी एग्जांपल बता रही हूँ बच्चे में, दैट इज सुपर कंडक्टर्स, फिजिक्स की टर्म है ये एक, एंड एक एग्जांपल है इसकी सुपर फ्लूइड्स। सुपर कंडक्टर्स बच्चे वो होते हैं जिनमें रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है, एंड सुपर फ्लूइड्स वो होते हैं जिनमें विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। विस्कोसिटी का मीनिंग होता है थिकनेस ऑफ एनी लिक्विड या गाढ़ापन जो किसी भी लिक्विड में होता है। सो दैट इज़ यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़ीरो, यहाँ पे उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे, ये जो भी मैंने आपको टीच किया है। स्कूल लेवल में हम उतना ही पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में थ्योरी बेसिस में दिया होता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे अगर आपको करना है तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। ये टेम्परेचर की कन्वर्जन्स कैसी होती हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज अगर आपको इतना चीज़ क्लियर है और आपको समझ भी आया अच्छे से, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर करना अगर हो सके तो, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।